हेलो फ्रेंड, आज हम आपको गीजर के बारे में बताते हैं। ये हमारे पास में गीजर है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो हमने इसे चेक करा है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। हमने इसमें बैटरी डाल के भी देखी है, नई 2022 की बैटरी भी हमने डाल के देखी है, लेकिन उसके बाद भी ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हमने इसका चेक किया सर्किट, नया हमने सर्किट लगा के चेक किया तो सर्किट इसका ख़राब था और सर्किट हमने चेंज कर दिया है इसका। ये देख सकते हैं, ये पुराना वाला सर्किट है इसका जो कि बेकार है, कई जगह से ख़राब हो रहा है, और नया सर्किट हमने इसके अंदर लगा दिया है। सर्किट के कनेक्शन जो हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से होते हैं इसके सर्किट के कनेक्शन। ये आप देख सकते हैं, ये सर्किट के सिंपल कनेक्शन रहते हैं। ये वायरिंग होती है, ये जो एक तार होता है अलग से, इसमें थिम्बल लगा होता है, ये अर्थिंग का तार रहेगा, और ये दो तार रहेंगे। ये देख सकते हैं, ये जैक लगा हुआ है इसके अंदर, ये इजीली हट जाएगा। इसमें दो थिम्बल पॉइंट लगे हुए हैं इसके अंदर। तो ये जो सेंसर का रहता है, और ये जो है आपका जिसमें तीन वायर हैं, ये इसका रहेगा, रिले का रहता है। रिले का जो काम होता है गैस को ऑन ऑफ करने का काम रहता है। ये LED है इसके अंदर, और दो वायर इसके अंदर ये जो दे रखे हैं ब्लैक वायर, ये थर्मोस्टेट के होते हैं। अगर थर्मोस्टेट ख़राब हो जाए तो हम इसे डायरेक्ट भी कर देते हैं तो ये स्टार्ट हो जाती है। और दो ये वायर हैं, ये देख सकते हैं, इनमें दो थिम्बल लगे हुए हैं, तो ये रेड और ब्लैक रहते हैं, मतलब माइनस और प्लस रहते हैं। ये बैटरी के तार रहते हैं जो पावर के रहते हैं। बाकी तीन इसके अंदर ये रहते हैं, एक स्टार्टिंग होता है, ठीक है, जिससे करंट बनता है, मतलब जो चिंगारी बोलते हैं जिसे, तो वो निकलती हैं। ये चिमनी लगी हुई है इसके अंदर जिनसे ये स्टार्ट होता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इसकी जो मैग्नेट होती है, इसका टैंक हम निकालेंगे। वो आपको बता दिया है हमने कि किस तरह से टैंक इसका निकालते हैं। तो टैंक को यहाँ से खोल देंगे। टैंक को यहाँ से खोलने के बाद में इसकी सर्विस हमने बता दी है टैंक की किस तरह से करते हैं। तो अब हम इसकी मैग्नेट जो है वो मैग्नेट खोल कर दिखाते हैं आपको कि किस तरह से मैग्नेट होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये इनपुट है, इसके अंदर पानी जाएगा और यहाँ से मैग्नेट, ये जो सेंसर लगा हुआ है इसके अंदर एक मैग्नेट है। मैग्नेट जब ऊपर जाएगी, सेंसर पे टच होगी, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस होती है। अगर मैग्नेट ऊपर नहीं जाती है तो सेंसर जो है वो सेंस नहीं करेगा और कुछ भी काम नहीं हो पाता है, मतलब ये स्टार्ट नहीं होता है गीजर। तो हम बिल्कुल सिंपल तरीका है मैग्नेट को क्लियर करने का, ये देख सकते हैं जाली लगी हुई है, ये जाली बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। ये देख सकते हैं, ये जाली इसलिए लगी रहती है ताकि कोई डस्ट वगैरह ज़्यादा इसके अंदर ना जाए, जिससे हमारा टैंक जो है वो ब्लॉक ना हो। और उसके बाद में आप देख सकते हैं ये पिन लगी हुई है इसके अंदर, ये नोक प्लास, ये हमारा नोक प्लास है, और नोक प्लास से हम इसे आराम से निकाल देंगे। निकल गई, ये अभी निकाल के दिखाते हैं आपको। ये बाहर निकाल दिए हमने मैग्नेट को, और इसे हम घिसेंगे, ये साफ कर लेंगे अच्छी तरह से। क्योंकि मैग्नेट जब ऊपर जाएगी सेंसर के पास, तभी सेंस होकर ये स्टार्ट होगा। अगर मैग्नेट ऊपर नहीं जाती है तो ये स्टार्ट नहीं होगा, मतलब काम नहीं करेगा गीजर जो है। इसका सर्किट हमने चेंज कर ही दिया है। ये देख सकते हैं, इसके अंदर मैग्नेट लगी हुई है। ये साफ़ हो चुकी है, उसके बाद में इसे हम लगाएंगे।
और उसके बाद में इसका जो ये लॉक है ये इजीली लग जाएगा अंदर की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं अंदर की तरफ, ये बीच में जो स्पेस बचा हुआ है ये इसके अंदर आ जाएगी। मैग्नेट हमने लगा दिया इसके अंदर, ये देख सकते हैं ये हमने पिन लगा दिया। ये लॉक बोलते हैं इसे, क्योंकि अगर ये नहीं लगेगा तो मैग्नेट बाहर आ जाएगी, इसीलिए लगाया जाता है ताकि जो मैग्नेट है इसकी वो इसके पास आने के बाद में रुक जाए। ये देख सकते हैं ये इसकी बैटरी है एवरेडे की, इसके अंदर हम इसे लगाते हैं। लगाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, जैसे आप निशान देख रहे हैं तो ये प्लस का निशान है, और बैटरी पे भी देखें कि ये रहा प्लस का निशान, ये चमक रहा आप प्लस का निशान, तो ये इस तरह से लगेगा। और ये आप देख सकते हैं जहाँ स्प्रिंग है ये माइनस का निशान लिखा हुआ है, ये माइनस का निशान आपको दिखाते हैं, ये लिखा हुआ है माइनस का निशान। और ऐसे ही हम बैटरी पे देखेंगे तो बैटरी पे भी लिखा हुआ होगा, ये ऊपर प्लस का लिख रहा है निशान तो नीचे माइनस का होगा निशान, ये देख सकते हैं ये रहा माइनस का निशान, इस पर तो माइनस का निशान ऊपर आएगा, इस तरह से ये लग जाएगी। और डिब्बी आप देख सकते हैं मैग्नेट ऊपर है, जैसे ही हमने बैटरी इसके अंदर लगाई है तो स्टार्ट हो गया है। अब ये आप देख सकते हैं कट की आवाज़ आती है इसके अंदर, रिले बोलेगी तो करते हैं, ये स्टार्ट हो गया। देख सकते हैं आप चिंगारी स्टार्ट हो गई है, मतलब जलने के लिए बिल्कुल तैयार है ये। अब इसकी टैंकी क्लीन करने के बाद में हम इसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में कस्टमर के यहाँ पे हम इसे इंस्टॉल कर देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें।